ओके, चलिए तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ द मेटलर्जी। तो आपने इसके पहले ऑलरेडी सीखा है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, और थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में आपने ये सीखा था कि अगर रिएक्शन फिजिबल है तो फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? फ्री एनर्जी का चेंज डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और ये जो थर्मोडायनेमिक का मेटलर्जी पे असर है उसे आप कहते हो पायरोमेटलर्जी, ये मैंने लिखाया था। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल भी आपको दिमाग में रखना है व्हेन यू डू द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्वियस स्टेट और मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल आयन, राइट? ओके, और यहां पे हम नॉर्मली करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्या करते हैं बच्चों? एक्वियस स्टेट में से या मोल्टन स्टेट में से मेटल को निकालने के लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, राइट? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज कैरिड आउट, और इन सम केसेस वी ऑल्सो एड सम रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलिसिस और सम रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, राइट? चलिए, जैसे ही बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल आया, सीधा एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ए जीरो सेल, और यू कैन से रिडक्शन पोटेंशियल, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? अभी आपको सारे टर्म इसके पता है, आई नो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रांसफर, राइट? एंड ई जीरो रिडक्शन इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, नाउ व्हाट बेसिकली हैपन इज व्हेन यू टॉक अबाउट हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो उनका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नहीं होता है, राइट? तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर क्वाइट डिफिकल्ट, ओके, एज they have highly negative reduction potential which makes delta G positive। इसीलिए ना बच्चों सोडियम, पोटेशियम, ये सबका एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव है, तो उसका जो सामने डेल्टा जी हो जाएगा वो हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अगर रिएक्शन को फिजिबल होना है तो रिएक्शन फिजिबल तभी होगा जब ये जो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल है, राइट, जब आपने दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम एनोड कैथोड को कनेक्ट करते हैं, राइट? तो जब आप एनोड कैथोड को कनेक्ट करके पूरा सेल बनाओगे तो उस पूरे सेल के लिए आप क्या लिखोगे? फॉर फुल सेल यू कैन राइट डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, राइट? तो जब आपने दोनों एनोड कैथोड को कनेक्ट किया और एनोड कैथोड कनेक्ट करने के बाद जब आपने पूरा सेल बनाया तो इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ये पूरे सेल का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये प्लस इंटू माइनस डेल्टा जी रहेगा आपका नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स E cell should be positive and delta G will be negative. वो अपने आप ही negative हो जाएगा as a E cell is positive. तभी जाके reaction क्या होगा? Feasible होगा, right? So we can say hence the reaction is feasible. ओके, तो रिएक्शन कैसा रहेगा? फिजिबल रहेगा। और तब क्या होगा बच्चों? जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, ये आपने 10th में पढ़ा है ना। ओके, जैसे कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल
फ्रॉम इट्स सॉल्ट। जैसे कि बच्चों अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लो, कॉपर प्लस टू आपके पास एक्वियस स्टेट में है, इसके अंदर अगर आपने आयरन डाल दिया तो कॉपर और आयरन के कंपेयर में अगर आप बात करोगे आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो आयरन क्या करता है, सिंपली कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन खुद आयन बन के सोल्यूशन में जाएगा और कॉपर जो है वो आपको मेटल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो मेटल आपको मिलना है वो मेटल आपको मिलेगा कैथोड के ऊपर, राइट। चलिए, मेटल इज ऑब्टेंड एट कैथोड, क्योंकि रिडक्शन होगा ना मेटल सॉल्ट का। सी, जो प्लस टू के फॉर्म में था उसमें से जीरो हुआ, मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो इसीलिए आपको जो मेटल है वो कहाँ मिलना है बच्चों, मेटल मिलने वाला है आपको कैथोड के ऊपर। दैट थिंग शुड बी वेरी क्लियरली इन योर माइंड। एक और बात बच्चों, कई बार क्या होता है कि ये जो मेटल के सॉल्ट है ना उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसके अंदर फ्लक्स डाला जाता है। फ्लक्स का दो काम है, एक मेल्टिंग पॉइंट डाउन करना और दूसरा कंडक्टिविटी को बढ़ाना। देखते हैं, चलिए। फ्लक्स इज एडेड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, क्यों? फर्स्ट रीजन टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड सेकेंड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि जब तक कंडक्शन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। चलिए बच्चों, ये तो हो गया बेसिक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रिंसिपल। जो आपको डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो वाला थियरी थोड़ा सा ध्यान में रखना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। अब पर्टिकुलरली रिएक्शन की बात करेंगे, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, राइट। हमें लीचिंग वाले में सीखा था किस तरह से बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम लाना है। अब एल्यूमिनियम बन चुका है, उसमें से एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये इलेक्ट्रो केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे। एन इंपॉर्टेंट थियरी आपके एग्जाम के लिए, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही है बच्चों, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। चलिए करेंगे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस क्विकली। ओके, लेट अस सी द हॉल हेरोल्ड मेथड, जो आपने कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत सीखा भी होगा। ओके, सो इन द हॉल हेरोल्ड मेथड वी यूज इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम प्योर एल्यूमिना। प्योर एल्यूमिना हमने बना लिया था बेयर मेथड में, उसमें से अब एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल यूज करना है, एंड यू आर गोइंग टू यूज दिस मेथड इज कॉल्ड एज हॉल हेरोल्ड्स मेथड। चलिए करना क्या है बच्चों, हम यहाँ पे Al2O3 दैट इज एल्यूमिना का करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, एल्यूमिना का। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन भरा होगा, राइट, दिस सोल्यूशन इज एल्यूमिना, द सोल्यूशन इन साइड इज एल्यूमिना। ओके, बट एल्यूमिना इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसके अंदर फ्लक्स डालेंगे, एंड दैट फ्लक्स आर गोइंग टू बी क्रायोलाइट, दैट इज Na3AlF6, और यू कैन ऑल्सो यूज CaF2, राइट। या तो आप Na3AlF6 यूज करो या तो आप CaF2 यूज करो। फ्लक्स का काम है मेल्टिंग पॉइंट को लो करना और इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो खाली एल्यूमिना नहीं है, इसके अंदर फ्लक्स भी डाला है, दैट इज Na3AlF6 होगा या तो साथ में होगा CaF2, राइट। दोनों में से कोई एक फ्लक्स आप यूज करोगे इसके अंदर, राइट। चलिए अब क्या करना है आपको, एनोड कैथोड कौन सा होगा इलेक्ट्रोलिसिस में। तो यहाँ पे जो एनोड्स है दे आर ऑफ ग्रेफाइट, तो ये सारे एनोड्स है, राइट, एंड दिस आर द एनोड्स विच आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। दिस इज ग्रेफाइट रोड्स, ग्रेफाइट रॉड्स विच इज बिहेविंग एज एनोड। ओके, यहाँ पे ये ऊपर कॉपर का क्लैंप है ग्रेफाइट रॉड को सपोर्ट करने के लिए, राइट, या ग्रेफाइट रॉड को माउंट करने के लिए। कॉपर का क्लैंप होगा, उसके अंदर ग्रेफाइट रॉड को माउंट किया है, राइट। ओके, चलिए फाइन। अब यहाँ पे इसको आप पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे, दैट इज व्हाई वी हैव कॉल्ड दिस एज एनोड। हमने उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा इसलिए इसको हमने एनोड कहा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों एनोड का डिस्कशन, जो ग्रेफाइट का रोड है जिसको माउंट किया गया है कॉपर क्लैंप में, ठीक है। चलिए, कैथोड बना हुआ है बच्चों स्टील का। ओके, तो ये जो पार्ट है ना आपका द कंटेनर इटसेल्फ, राइट, ये जो कंटेनर है ना उसको खुद ही आपको कनेक्ट कर देना है बच्चों, किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एंड दैट विल बिहेव एज अ कैथोड। तो ये कैथोड बना हुआ है बेसिकली स्टील का, इसके आजू बाजू कार्बन का लाइनिंग होगा, राइट। तो दिस इज द कार्बन लेंड स्टील विच विल बिहेव एज कैथोड, राइट। ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसे कैथोड बिहेव करने वाला है। तो ये एनोड कैथोड का डिस्कशन हो गया, राइट। एनोड ऊपर लगा हुआ है, कैथोड जो है वो कंटेनर खुद बिहेव करेगा। चलिए, जैसे ही आप करंट पास करोगे व्हाट विल हैपन, करंट पास करने पे एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर है ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड मतलब कार्बन, दो तरह से ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन प्लस O-2 विल गिव यू CO, विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, या कार्बन प्लस 2O-2 दैट विल गिव CO2 एंड रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रेफाइट का हुआ ऑक्सीडेशन, आइदर इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड और इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड,
ओके फाइन. चलिए व्हाट विल हैपन एट द कैथोड. तो कैथोड के ऊपर एल्यूमिना का रिडक्शन होगा जो हमें करना है एक्चुअली. तो एल्यूमिना कंटेन Al प्लस 3 आयन. Here it is Al plus 3 ion. Cathode के ऊपर होता है reduction, मतलब it will accept the electron. 3 electron accept करके बनाया aluminium liquid. और वो जो liquid aluminium बना है वो यहाँ से फिर बाहर आ जाएगा. This is molten aluminium. जो यहाँ से बाहर निकलेगा फिर molten aluminium, right? Okay. Overall reaction देखोगे बच्चों तो alumina react करेगा carbon के साथ, that is graphite. Okay. Aluminium will oxidize. Aluminium will Al2O3 will reduce to aluminium. Carbon will oxidize to CO2. This is the overall of this two reaction, right? चलिए बच्चों जब आपको 1 किलो aluminium बनाना होता है ना यहाँ पे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 0.5 kg जितना graphite चाहिए. Right, because you can see graphite यहाँ पे burn हो रहा है, graphite खुद CO2 में convert हो रहा है, तो धीरे धीरे graphite खत्म होता जाएगा. तो 1 kg aluminium बनाने के लिए आपको 0.5 kg जितना graphite चाहिए होता है. okay, तो ये हो गया बच्चों आपका Hall Heroult process. अगर आपने exam में इस तरह से इसको लिखा ना Hall Heroult process को, I can challenge you, आपका आधा मार्क भी कोई नहीं काट सकता, पेपर भले कोई भी चेक करे. क्योंकि जितने पॉइंट के आपको मार्क मिल रहे ना, वो हर एक पॉइंट यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप डिस्कशन किया है. जितने पॉइंट के मार्क है ना, वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप. चलिए एक और चीज़ है बच्चों, अगर आपके पास कॉपर है, राइट, अगर आपके पास कॉपर का सॉल्यूशन है या कॉपर का कोई लो ग्रेड ओर है, तो उसमें से आप कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करा सकते हो. ओके, तो लो ग्रेड ओर अगर है आपके पास कॉपर का, तो उसमें से आप कॉपर निकाल सकते हो बाय यूजिंग द आयरन स्क्रैप और बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस. ओके, तो क्या करना है देखिए बच्चों, ये प्रोसेस ये रहा कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड कॉपर ओर और स्क्रैप्स. चलिए भाई, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोमेटलर्जी. ओके, कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों? हाइड्रोमेटलर्जी, दैट इज बेसिकली दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. सबसे पहले जो भी आपका ओर है उसमें से आपको इम्प्योरिटी निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे लीचिंग प्रोसेस. ओके, तो लीचिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं या तो हम एसिड यूज करेंगे या तो बैक्टीरिया यूज करेंगे. इससे हमने ओर को लीच कर लिया है, मतलब आपके पास जो कॉपर का ओर है वो आ चुका है, दैट ओर इज लो ग्रेड, हाई ग्रेड ओर नहीं, लो ग्रेड ओर है. चलिए अब लो ग्रेड ओर में से अगर आपको कॉपर निकालना है, तो आप उसके अंदर या तो आयरन का स्क्रैप डाल दो, क्योंकि हमें पता है आयरन कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो ये आपका कॉपर का ओर है जिसके अंदर कॉपर आयन है, हमने उसके अंदर डाल दिया. या तो हाइड्रोजन गैस यूज करो या तो फिर आप आयरन स्क्रैप भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू. ओके, चलिए हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को रिड्यूस करेगा, प्लस टू में से कॉपर फ्री स्टेट में जाएगा एंड H2 खुद ऑक्सीडाइज होकर H+ बनेगा. तो इस तरह से आप कॉपर के लो ग्रेड ओर में से भी कॉपर एक्सट्रैक्ट करा सकते हो. अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.6.4, कि अगर आपके पास कॉपर का लो ग्रेड ओर है और आपके पास भंगार पड़ा हुआ है, भंगार जिंक का भी है और भंगार आयरन का भी है, तो आप क्या यूज करोगे? कॉपर स्क्रैप में से, कॉपर के लो ग्रेड ओर में से कॉपर एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब जिंक का भंगार यूज़ करोगे कि आयरन का यूज़ करोगे? तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सर जिंक का यूज़ करो, क्योंकि जिंक जो है ना वो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन फटाफट कर देगा, है ना. मैं भी यही कहूँगा कि आयरन के कंपेयर में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक को यूज़ करो ताकि जिंक फटाफट रिएक्शन कर दे. बट प्रॉब्लम यह है ना कि आयरन के कंपेयर में जिंक महंगा होता है. तो जब आप इकोनॉमिकल बेस पे सोचोगे ना, तो भले टाइम ज़्यादा लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिंक को हम यूज़ नहीं करेंगे ऑन द इकोनॉमिकल बेसिस, राइट, क्लियर. चलिए ओके, लेट्स सी द लास्ट मेथड टू ऑब्टेन द एलिमेंट, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन की तो हम बहुत बार कर चुके हैं, राइट, कि जो भी आपका मेटल का ओर है, राइट, उसके अंदर मेटल पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है, तो उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. इसके लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट एंड सब यूज़ करते हैं, राइट. तो रिडक्शन आप करते हो बेसिकली मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए. कई बार आपको ऑक्सीडेशन भी करना पड़ता है व्हेन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द नॉन मेटल, राइट. तो नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको करना पड़ता है बच्चों ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट. सो आई विल मार्क इट हियर, ऑक्सीडेशन इज यूज फॉर नॉन मेटल. जैसे कि बहुत सिंपल सा है बच्चों, समुद्र जो है ना, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द क्लोराइड आयन Cl-, राइट. तो अगर आपको समुद्र में से क्लोरीन गैस एक्सट्रैक्ट करना है समुद्र के पानी में से, तो क्या होगा? लेट्स सी, एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्लोरीन गैस फ्रॉम ब्राइन. ब्राइन इज अ सॉल्ट वाटर, और यू कैन से सी वाटर, विच इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ द Cl- आयन. ओके, तो ये ले लिया बच्चों हमने ब्राइन सॉल्यूशन विच कंटेन Cl- आयन. एक्वियस सॉल्यूशन है, बेसिकली पानी में ही होगा, सॉल्ट जो भी होगा वो, दैट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग. तो क्लोराइड आयन है पानी के अंदर, उसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनेगा, H2O जो है उसमें से बनेगा H+ एंड OH-, H+ विल रिड्यूस टू H2 और OH- Na के साथ जुड़ेगा एंड दैट विल गिव यू OH- आयन. देखो पूरा प्रोसेस क्या है, ये जो Cl- है उसका हुआ बच्चा ऑक्सीडेशन,
राइट, वाटर इज कन्वर्टेड टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन. दिस एच प्लस आयन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन गैस एंड ओ एच माइनस इज एच इट इज, हियर यू कैन सी. राइट, तो इस तरह का कुछ रिएक्शन हो रहा है, बट ये रिएक्शन अपने आप नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज है वो पॉजिटिव है, प्लस 422 किलो जूल. इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना है बच्चों? इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है एंड दैट इज प्लस 422 किलो जूल. राइट, और इसका जो ई जीरो गिनोगे जवाब तो माइनस में आएगा, मतलब इसका ई जीरो नेगेटिव है. तो अगर आप ये रिएक्शन को करवाना चाहते हो तो आपको प्लस में 2.2 वोल्ट देना पड़ेगा. राइट, क्योंकि इस रिएक्शन का पोटेंशियल जो है वो माइनस 2.2 वोल्ट है. तो अगर हम ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल पोटेंशियल प्लस 2.2 वोल्ट देना पड़ेगा. राइट, ओके, बट खाली प्लस 2.2 वोल्ट देने पे ये रिएक्शन नहीं होगा. आपको 2.2 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन, ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये रिएक्शन होगा बहुत सारे हिंड्रेंस लगने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन को होने से रोकेंगे. तो उन सबको ओवरकम करने के लिए आपको पोटेंशियल 2.2 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा रखना है. देखो ये रहा, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस एक्सटर्नल पोटेंशियल मोर देन 2.2 वोल्ट इज नीडेड फॉर ओवरकमिंग द हिंड्रेंस. चलिए पूरा रिएक्शन होगा तो क्या होगा? दैट्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl. क्या क्या देगा बच्चों? आपको क्लोरीन गैस देगा एनोड के ऊपर, हाइड्रोजन देगा कैथोड के ऊपर, और ये जो OH- बना था वो Na+ के साथ जुड़ के बाय प्रोडक्ट बनाएगा NaOH. राइट, अगर आपने मोल्टन NaCl लिया, ओके, तो मोल्टन के अंदर पानी तो है नहीं, तो इट विल गिव यू NaNCl2. NaOH नहीं बनने वाला बिकॉज पानी है ही नहीं. ठीक है, चलिए इसी तरह से आपने जब लीचिंग किया था ना, तो लीचिंग भी एग्जाम्पल था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का. बिकॉज लीचिंग में पहले आपके पास प्योर फॉर्म में मेटल था, जैसे गोल्ड. राइट, उसको आपने रिएक्शन कराया था साइनाइड के साथ, इससे बना था बच्चों AuCN2-. क्या बना था? AuCN2-, मतलब यहाँ पे जो गोल्ड जीरो फॉर्म में था ऑक्सीडेशन स्टेट, वो जीरो फॉर्म में से वो किस फॉर्म में चला गया बच्चों? प्लस वन में चला गया. मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. राइट, फिर उसके अंदर हमने डाला था जिंक, तो जिंक ने बना लिया था ZnCn4-2, और सिल्वर जो गोल्ड है वो वापस सेपरेट हो गया था. मतलब वापस गोल्ड प्लस वन में से जीरो स्टेट में आ गया, तो गोल्ड का वापस क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. राइट, मतलब जो लीचिंग प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो एक एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. ये बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है और फिर ये क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पर गोल्ड का एग्जाम्पल लिखो या सिल्वर का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. चलिए, तो अब हमने मेटल को प्योर फॉर्म में, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट अभी तक मेटल प्योर फॉर्म में नहीं है, अभी भी उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी. राइट, तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट द प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल. बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो समझने के लिए बहुत ईजी है. अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको एग्जाम में उसको देखना भी नहीं पड़ेगा. अब अच्छा चुटकी बजा के उसको कर लोगे फिर. ठीक है, चले वो सब करेंगे बाद में.